फिल्म 83 का ट्रेलर आया, देख के तो पहले तो मैं रोया, क्या बात है, फिल्म ज़बरदस्त हिट हिट, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक हिट विकेट है। मतलब जिम्बाब्वे का विकेट लेकर ये जो मैच हिट हुआ है, कपिल पाजी को, उनके पूरे टीम को प्रणाम नमस्कार। कपिल पाजी, वाह, 175 रन्स से आपने जीत कर इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कप दिलवाया था 83 में, आपके चरणों को प्रणाम है। चरणों को छूकर ही मुझे ठंडक मिलेगी, वो तो लेगेसी, अच्छी लेगेसी, इसलिए मैं चरणों को छूंगा तो मुझे ठंडक मिलेगी, यानी कि लेक एसी, बात भले मजाक की लेकिन सच है, ठंडक मिलेगी। आपके सारे खिलाड़ियों को प्रणाम है, श्रीकांत, सचिन, अपना सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, दिलीप फेंसरकर, रवि शास्त्री, संधू, यशपाल शर्मा, बिन्नी, मतलब लाइन से श्रीकांत तो बोल ही चुका हूँ, इतने सारे और भी नाम याद नहीं आ रहे, लाला अमरनाथ, ये सब लोग थे। और बहुत बढ़िया मैच आपने खेली और जिताई, कप्तान वही होता है जो कप्तान के लाए, और आपने वो किया। कपिल पाजी, आपको सलाम है, आप वाकई टीम के कैप्टन सुशोभित होते हैं। और आप पर ये फिल्म बन रही है, आपका कैरेक्टर रणवीर कर रहा है, देखिए वॉट अ कोइंसिडेंस, रणवीर, रन बनाने वाला वीर, वो तो कपिल देव ही थे, है कपिल देव ही है, और उनका रोल करने वाले रणवीर, रनों का वीर, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर किया रणवीर ने, बहुत शुभकामनाएं। और कबीर खान साहब को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और फिर एक बार मुझे कपिल जी बाजी का, मैं कहता हूँ कि वो वाकई क्रिकेट के देव हैं, कपिल देव जो है वो वाकई हमारे लिए एक म्यूज़ियम में, जो मैडम तुषार म्यूज़ियम में जो उनका जो स्टैचू लगाया गया है, वो वाकई हमारे लिए कपिल जो है एक कपिल वस्तु है। वाह, बहुत बढ़िया, ये फिल्म सब को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी खिलाड़ी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिलकर इस मैच में कह सकते कि फिट हो गए थे, एकदम मैच हो गए थे, और ज़बरदस्त हिट। 24 तारीख को ये फिल्म आ रही है, तो हमारे पास कोई 24 नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, देखनी है फिल्म। मैं तो भैया पूरे परिवार के साथ देखने जाऊंगा, और आप भी जाइएगा। एंड जब भी आप हो फ्री, प्लीज़ देखिएगा 83। और कोइंसिडेंस देखिए, अब आप पूछेंगे कि 83 के इस मैच को कितने साल हो गए, तो ज़्यादा हिसाब किताब मत लगाइए, 83 को उल्टा कर दीजिए, 83 को उल्टा कर दीजिए, 38 ईयर्स हो गए। लेकिन अभी भी जब ये हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त ये टेलीकास्ट नहीं हुआ था, बीबीसी ने जो है इसे टेलीकास्ट नहीं होने दिया था, ये कोई वजह हुई थी, टेलीकास्ट नहीं हुआ था पैसों के चलते, लेकिन बीबीसी पर बीसीसीआई भारी पड़ गया। हमारे सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से, क्योंकि सारे खिलाड़ी क्यूट और मेहनत से इस मैच में जुटे हुए थे। 18 जून 1983 का ये ऐतिहासिक मैच जो हिस्ट्री में दर्ज है, जिसको हम हमेशा जिसके किस्से सुनते रहे, आज वो हमें देखने मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो ट्रेलर है, शाहरुख साहब के स्टाइल में कहूँगा तो, खान साहब के स्टाइल में कहूँगा तो, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि
रियली मैं आज के ज़माने के जितने भी सोशल मीडिया के कुछ क्रिटिक्स जो है इस फिल्म को अपने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जब सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, 83 एकदम कोई ऐसी कोई क्रांति नहीं थी उस वक्त ये खेला हो गया मैच जो सदियों के लिए एक मिसाल बन गया है। और हर खिलाड़ी को 83 का क्रिकेट का मैच, और ख़ासकर जिस लैंड पर ये जीता गया था उस लैंड का नाम है इंग्लैंड, लंदन में ये मैच खेला गया था, मुझे वाकई बहुत इमोशनल होकर मैं कपिल पाजी को सलाम कर रहा हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि कपिल पाजी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे ही वो ह्यूमरस रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। उनके सारे खिलाड़ी, खासकर श्रीकांत पाजी, श्रीकांत अन्ना, वो भी हमेशा मस्त रहे। सो 83 के सारे खिलाड़ियों को प्रणाम है। 83 में इतना बड़ा इतिहास रचने के बाद भी, 83 में इतिहास रचने के बाद भी एटीट्यूड नहीं है। आज भी जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, किरमानी साहब मुझे मिले थे, बहुत प्यार से मिले थे, वाह सब लोग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग, और सारे खिलाड़ी जब भी मिलते हैं मैं इनके पैरों को छूता हूँ, सलाम है इनको, दे आर ट्रूली लेजेंड। जय हिंद। एंड हमारे देश को जैसे हम कह सकते कि सी फॉर कंट्री, सी फॉर क्रिकेट, एंड कपिल देव के इस कारनामे को, इस सुंदर कारनामे को हम कपिल शर्मा की टीम के साथ ज़रूर देखेंगे कि कपिल शर्मा भी हमारा कैप्टन है। सो ऑल द बेस्ट, 83 पूरी टीम जो है डिज़र्व करती है, शुभकामनाएं। और हिट है ये फिल्म, ज़बरदस्त सारे इतिहास, सारे अवार्ड और रिवॉर्ड लेके आएगी, ऐसा मेरा पूरा दिल से मानना है। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट 83।